डॉक्टर हाउस के लिए काफी धमाल मच रही है आज. इट्स अ गुड शो और गाना अच्छा था. वैसे आपने हमारा गाना तो सुना होगा, रांझण में सुना है हमारा गाना. रांझण में और प्यार भी बहुत मिला है आपकी वजह से. इनके इंटरव्यूज बहुत वायरल होते हैं सर के. बहुत प्यार मिला है हमें. हां तो ओके, क्या कहना चाहिए जिस तरह से टॉकर हाउस हो गया, काफी सेलिब्रिटीज जो टिकटॉक सेलिब्रिटीज है वो एक ही घर में जाकर धमाल करने वाले है. क्या लगता है 46 मतलब कैसे सबको इमोशनल में खड़ा करेंगे, क्या लग रहा है? पता नहीं, अब अंदर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी बनेगी, मसाला बनेगा. मुझे लगता है बड़ा धमाल होने वाला है. हां, इट्स गोना बी बॉम्ब. और आप भी जाने वाले हैं टॉकर हाउस के अंदर? सरप्राइज है. आई डोंट नो, आई एम जस्ट जोकिंग. नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं. ओके, सॉन्ग भी आपका काफी वायरल हो गया था, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जनता जनार्दन है हमारी. पूरा मैम इतनी अच्छी सिंगर हैं, इनका म्यूजिक इतना अच्छा, तो हमने तो बस थोड़ा सा निभा दिया कुछ तो. ये ही सो ग्राउंडेड, समीक्षा सो ग्राउंडेड. इन्हें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें धमाल काम किया है. उस दिन आपका वीडियो आने के बाद, जब आपने YouTube पे हमारे गाने को वायरल किया, अगले दिन जो पोजिशन थी गाने की वो कमाल थी. सो थैंक्स टू दीज गाइज. अरे आएंगे जरूर एक साथ, और मेरे ख्याल से इन्हीं के साथ आएंगे. आई थिंक द वाइब इज सुपर्ब, ये लोग इतने पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव हूँ, तो आई थिंक पॉजिटिव पॉजिटिव धमाल होने वाला है. कुछ तो बॉम्ब वी आर प्लानिंग. We are planning. अभी कुछ decided नहीं है, लेकिन we are planning. ग्राउंड से खोद के निकालती हूँ प्लानिंग को, फिर आपको बताऊंगी. आखिर में बिग बॉस काफी धमाल मचा रहा है, काफी नए नए लोग जा रहे हैं. हिंदुस्तानी भाव है, शहनाज गिल है, सिद्धार्थ शुक्ला है. कौन है आपसे फेवरेट कंटेस्टेंट? मैं वैसे बिग बॉस फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी भाव वाला मैंने प्रोमो देखा था, तो या इज एंटरटेनिंग एंड और अच्छे देशभक्ति की बातें करते हैं. मतलब किसी को ऐसे ही गाली नहीं देते, मतलब जो देश के खिलाफ बोलता है या फिर कुछ महिलाओं के खिलाफ कुछ बोलता है उसको गाली देते. तो ऐसा है, मैं म्यूजिक बनाने में इतना अलग लगी हुई हूँ, तो मुझे एक्चुअली इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, बट जो भी है, ऑल द बेस्ट गाइस. या या या, इट्स गोना बी फन. आपने हमेशा हमको इतना सारा प्यार दिया है, हमेशा देते रहिएगा. बस हम इतनी मेहनत करते रहेंगे आपके चेहरों पे हंसी लाने के लिए. yes, exactly. ये तो दिन रात करती हैं, सोती का भी पता नहीं, रात को गाने बनाती हैं, दिन में पार्टी में अटेंड करती हैं. अरे नहीं, दिन में नहीं, रात में. पर हम लोग काम करते रहेंगे, अगर आपका प्यार मिलता रहेगा ना, तो ये काम बहुत बड़ा होता है. हम लोग आपकी वजह से बड़े होते हैं. थैंक यू सो मच फॉर